गाइज़ अभी 11:30 बज रहे हैं, घड़ी के 11:30 बज चुके हैं और ये देखिए आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बन सवर की कहाँ जा रही हूँ, तो मैं कहीं जाने के लिए ही रेडी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, वो आएंगे तो हम लोगों को लेके जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, और चलिए तो मैं निकलती हूँ, हस्बैंड भी आ गए हैं। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा, लेट का लेट तो हो चुका है, रोज उठ जाते हैं, आज ही सो गए हम तो। शीतल से क्या हम तो सबरी से जगकर भाई तो बोल रहे। चलो सुनो, तुम जो बोला पापा का बढ़ गया जल्दी से लॉन्च कर लेना आया। चल सहयोगिता कर যেকোনো অসুবিধা হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আজকে কথা বলুন। और ये है नैहाटी का फेरी घाट, यहाँ से मैं लॉन्च पकड़ के मैं उस पार जाऊँगी, मैं चुचुड़ा जाऊँगी, मुझे डॉक्टर दिखाना है इसलिए मैं चुचुड़ा हॉस्पिटल जाऊँगी, तो सुबह को भी ले ली हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और सुबह को और पीहू को मेरे साथ आना बहुत ही पसंद है क्योंकि वो लोग नौका में जाते हैं ना, इसलिए तो मैं पीहू को तो नहीं ला पाई, और नेक्स्ट टाइम फिर जब आऊँगी तो पीहू को लेके आऊँगी, इस टाइम मैं सुबह को लेके आई हूँ। और मेन बात है मैं तो घूमने नहीं जा रही हूँ ना, मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, इसलिए किसी बच्चे को लेके जाना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, एक शुभम का दरकार है, क्योंकि शुभम को नहीं लेके जाऊंगी ना तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा लाइन होता है, तो वहाँ पे एक जगह पे मैं लाइन लगाऊंगी, एक जगह पे शुभम लाइन लगाएगा, इसलिए। और ये देखिए हम लोग का गंगा माँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए आ चुका है चुचुड़ा, उस पार मैं आ गई हूँ, बहुत ही नज़दीक है, तो चलिए चलते हैं। और शुभम पैदल चलना नहीं चाहता है इसलिए मुझे टोटो करना पड़ा है, तो हम लोग टोटो से जाएंगे। और टोटो मतलब 5 मिनट का रास्ता को टोटो वाला 15 मिनट का बना दिया है, और मुझे डर भी लग रहा था कि ये कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन एक आंटी थी पास में बैठी बगल में, तो इसलिए थोड़ा मेरा डर कम हो गया। चलो चलो जल्दी चलो, और जहाँ मैं डॉक्टर दिखाऊंगी वहाँ पे मैं शुभम को लाइन में लगा के आई हूँ टिकट लेने के लिए, यहाँ टिकट बनाऊंगी फिर मैं वहाँ जाऊंगी। और टिकट में उतना लाइन नहीं है, ये देख रहे हैं उतना लाइन नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैं डॉक्टर दिखाऊंगी ना वहाँ पे इतना ज़्यादा लाइन है कि मेरा माथा ख़राब हो गया। हम लोग का कम से कम 3:30 तो बज ही जाएंगे घर जाते जाते। और ये देखिए मैं डॉक्टर दिखा ली थी, उसके बाद फिर मैं लॉन्च में बैठी, मुझे जोरों की भूख लगी थी तो मैं ये झाल मुड़ी खरीदी हूँ, और शुभम बिस्किट और वो चिप्स खाया है, और मैं झाल मुड़ी खाऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा तीखा मैं बनवाई थी और बहुत ही अच्छा लगा खाकर। और घर आई तो अपने मतलब नहा के फ्रेश होके मैं अपने कामों में लग गई, तो यहाँ पे मैं दूध चढ़ाई हूँ और इधर मैं चाय बना रही हूँ, पहले चाय पी लूँगी उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी का भी बहुत तबीयत ख़राब लग रहा था इसलिए मम्मी खाना नहीं बनाई है, तो पहले मैं सुबह हम लोग को दूध दे दूँगी, उन लोग को थोड़ा थोड़ा दूध पीने के लिए सुबह और पीहू को, और मैं और मम्मी चाय पियेंगे, फिर मैं कुछ काम करूँगी।
क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं भी जाने से ना, फिर आने से फिर कोई काम करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, सभी को भूख लगा हुआ है तो इसलिए मैं सबको दे दूं, उसके बाद कोई काम करूंगी। और चाय पी के तो सभी के मतलब एनर्जी आ जाती है, वो हम लोगों का, हम लेडीज़ों का एनर्जी ड्रिंक है वो चाय, तो इसलिए। और हस्बैंड भी काम में गए हैं तो उनको देरी होगी आने में, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, उतना हड़बड़ी नहीं है मुझे, सिर्फ बच्चों की टेंशन है कि बच्चे अभी तक खाए नहीं हैं, 4 बज चुके हैं और बच्चे अभी तक नहीं खाए हैं, इसलिए थोड़ा बच्चों की ही चिंता होती है। तो ये देख रहे हैं मैं क्यों निकाली, क्योंकि ये पूरा भर गया है ना, इसलिए मैं ये डब्बू से निकाल रही हूँ, बच्चों को दूंगी दूध। और ये मैं नाप के नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था तो उसे ग्लास में डालने में ये गिर जाता, इसलिए मैं डब्बू से निकाल के इसमें दे रही हूँ। आप लोग कुछ गलत कमेंट मत करिएगा। और इधर हस्बैंड जी भी आ गए तो हम लोगों की चाय आधा आधा बट चुकी है, तो चलिए हस्बैंड जी मेरे अभी लीकर चाय पसंद कर रहे हैं नींबू डाल के, क्योंकि जब से मैं लीकर चाय नींबू डाल के बनाई हूँ तब से उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो दूध चाय पीना भी नहीं चाहते हैं। तो चलिए हम लोग लीकर चाय के साथ में बिस्किट खाएंगे और फिर मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट से, मेरा भगवान की दया से अगर खुद का एक अपना घर हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।